नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इजी में। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के वीडियोस में हमने अभी तक बात की डिटेल्ड में गुलाम वंश की। गुलाम वंश के सभी शासकों के बारे में हमने जानकारी हासिल की, उनके क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य थे। आज हम स्टार्ट करेंगे मुख्य रूप से खिलजी वंश को, और खिलजी वंश की डिटेल्ड जानकारी, एक एक जो भी महत्वपूर्ण घटना हुई है उन सबकी जानकारी आज हम इस वीडियो में हासिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं खिलजी वंश को, और बात करते हैं कि खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो शमसुद्दीन की हत्या के बाद खिलजी वंश का शासनकाल स्टार्ट हुआ। शमसुद्दीन की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो दिल्ली सल्तनत थी उस पे नींव डाली खिलजी वंश की। तो 1290 से लेकर 1230 तक खिलजी वंश का शासनकाल रहा, कुल 30 वर्ष शासनकाल रहा खिलजी वंश का। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से बनता है एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम शासनकाल किस वंश का रहा, तो खिलजी वंश का रहा, जो कि मात्र 30 वर्ष रहा। ठीक है, 1290 से लेकर 1320 तक। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब बात करते हैं कि जो खिलजी थे वो तुर्कों के 64 प्रजातियों में से सबसे निम्न वर्ग के तुर्क थे। ठीक है, सबसे निम्न वर्ग के तुर्क होने के कारण इनको काफी परेशानियां झेलनी पड़ी, किस प्रकार से अभी जानेंगे। संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जैसे भी हमने बात की। शमसुद्दीन की हत्या करके इसने जो है दिल्ली सल्तनत पे खिलजी वंश की नींव डाली, और ये दिल्ली का सबसे उम्रदराज शासक था। ये इंपॉर्टेंट है, जब इसने अपना शासन स्टार्ट किया उस समय इसकी उम्र जो है वो 70 वर्ष हो रही थी। ठीक है, तो 70 वर्ष की अवस्था में इसने दिल्ली पर शासन स्टार्ट किया, और राज्याभिषेक इसने कराया किलोखरी के महल में। किलोखरी का महल जो कि कैकुबाद के द्वारा बनवाया गया था, और कैकुबाद कौन था, बुगरा खा का पुत्र, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिटेल में समझा था। तो कैकुबाद के द्वारा बनाया गया किलोखरी के महल में इसने अपना राज्याभिषेक कराया, और एक साल तक ये वहीं रहा। क्यों रहा, क्योंकि जो तुर्क अमीर थे वो खिलजियों से नफरत करते थे, तो इसे डर था कि कहीं जो शासन सत्ता है अभी जो हमने हासिल की है वो फिर से ना चली जाए। तो एक साल तक इसने वहां रह करके अपनी नीतियों से, अपने द्वारा किए गए कृत्यों से जनता में विश्वास हासिल किया, और इसके बाद जब इसमें कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं ठीक है अब मैं जा सकता हूं, तो एक वर्ष के बाद इसने दिल्ली से शासन स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे बात करेंगे महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो जैसे ही ये शासक बना 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो उस समय क्या हुआ कि जो कड़ा मानिकपुर का जो सूबेदार था छज्जू, उसने विद्रोह कर दिया। तो कड़ा मानिकपुर के सूबेदार छज्जू का विद्रोह 1290 में हुआ इसके शासक बनते ही। फिर क्या हुआ कि इसने खुद के सिक्के चलवाए, जो छज्जू था इसने खुद के सिक्के चलवाए और खुद का खुतवा पढ़ाया। तो इस प्रकार जो सुल्तान था उसका जो प्रभाव था वो कम होने वाला था, तो इस विद्रोह का दमन सुल्तान ने जो है करवाया, और इसका जो नेतृत्व किया था वो सुल्तान के पुत्र अरकली खान ने किया था। तो छज्जू विद्रोह का दमन किसने किया, अरकली खान ने, जो कि जलालुद्दीन का पुत्र था। ठीक है, आगे बात करेंगे कि सुल्तान ने अपने भतीजे व दामाद अलाउद्दीन को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया। जब छज्जू विद्रोह में हारा, और इसके बाद जब जो कड़ा मानिकपुर था वो विजित हो गया, तो वहां पर जो सूबेदार नियुक्त किया गया वह सुल्तान ने अपने भतीजे जो कि उसका दामाद भी था अलाउद्दीन, उसको वहां पर नियुक्त कर दिया। ठीक है, आगे बात करेंगे रणथंभौर अभियान की, जो कि 1291 में किया गया। तो रणथंभौर अभियान में जो शासक था रणथंभौर का वो था हमीरदेव, और इसने जो अभियान किया, जो आक्रमण किया रणथंभौर पर, तो हमीरदेव का जो किला था वो बहुत ही मजबूत था, बहुत ही सुदृढ़ था। तो उस किले की मजबूती देखकर सुल्तान ने आक्रमण तो कर दिया, लेकिन उसको जीत नहीं पाया, काफी समय तक जीतने की कोशिश की, लेकिन फिर खाली हाथ सुल्तान को वापस आना पड़ा। ठीक है, फिर बात आती है इसी के शासनकाल में जो मंगोल आक्रमण हुए 1292 में। उस समय जो मंगोल आक्रमण हुए उसमें जो मंगोलों का नेतृत्व कर रहा था वो था उलगू। ठीक है, उलगू ने मंगोलों का नेतृत्व किया, लेकिन मंगोलों की यहां भी हार हुई है। मंगोल यहां पर आए, आक्रमण किया, लेकिन जीत नहीं पाए, और सुल्तान के जो
रिप्रेजेंटेटिव थे, जो नेतृत्वकर्ता थे अब्दुल्ला खां, उन्होंने उलगू को हराकर भेज दिया। आगे बात करेंगे सिद्दी मौला। सिद्दी मौला जो कि एक सूफी संत थे, उनको मृत्युदंड दिया गया। सिद्दी मौला को सुल्तान ने हाथियों से कुचलवा कर मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि उस पर आरोप था कि सुल्तान की हत्या का षड्यंत्र सिद्दी मौला के द्वारा रचा गया है। तो इस आरोप के कारण ही सुल्तान ने सिद्दी मौला को मृत्युदंड दे दिया। अब बात करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में अभियान हुआ वो था दक्षिण भारत का अभियान। ये मुसलमानों द्वारा प्रथम दक्षिण भारत पर अभियान था। ये इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ पॉइंट को नोट करेंगे कि मुसलमानों के द्वारा दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण कहाँ पर हुआ, तो वो था पहला देवगिरी अभियान। ठीक है, कौन था जो देवगिरी अभियान था? वो था, यहाँ पर ये टाइपिंग एरर है, देवनागरी लिखा हुआ है, देवगिरी अभियान जो कि 1296 में हुआ। और इस अभियान का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इस समय देवगिरी का जो शासक था वो रामचंद्र देव था। जब देवगिरी पर आक्रमण हुआ तो रामचंद्र देव जो है वह हार गया। उसने सुल्तान की अधीनता स्वीकार की और जो शासन था वो वहां से मुख्य रूप से जो दिल्ली से चलाया जाने लगा, कर वसूला जाने लगा। और शासक ने जो रामचंद्र देव थे ना, इन्होंने पूर्ण रूप से सुल्तान की अधीनता को स्वीकार कर लिया। 20 जुलाई 1296 में ही जब देवगिरी अभियान संपन्न हुआ, उसके बाद भतीजे अलाउद्दीन के द्वारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करवा दी गई। तो इस षड्यंत्र में पूरा हाथ जो था वह अलाउद्दीन खिलजी का था, क्योंकि वो गद्दी प्राप्त करना चाहता था। तो इस प्रकार जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था उसका शासनकाल यहाँ पर समाप्त हो गया। अब शासनकाल जो स्टार्ट हुआ वो हुआ अलाउद्दीन खिलजी का। यह शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक चला। काफी लंबा शासनकाल था, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध भी हुए इसके शासनकाल में। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे तो राज्याभिषेक इसका हुआ बलबन के लाल महल में, बलबन का लाल महल जो कि दिल्ली में। ठीक है, तो इसका जो राज्याभिषेक हुआ कहाँ हुआ? दिल्ली में। ठीक है, बलबन के लाल महल में। बचपन से ही बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी था, क्योंकि इसने जैसे ही अपना सूबेदारी के तौर पर स्टार्ट किया या फिर जितने भी युद्धों का नेतृत्व किया उनमें जीत हासिल की, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी बन गया था। अगर बात करते हैं बचपन के नाम की, तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली अगुरसाफ था। ठीक है, और इसने मालिक काफूर को सल्तनत का नायाब घोषित किया था, मतलब मुख्यमंत्री जो है मालिक काफूर को नियुक्त किया था। और मालिक काफूर ही इसका सबसे महत्वपूर्ण सेनापति रहा, मुख्य रूप से दक्षिण अभियान के लिए। ठीक है, तो ये एक सवाल और पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए किसको नियुक्त किया? तो वो नियुक्त किया मालिक काफूर को। आगे बात करते हैं, इसने जो उपाधि धारण की थी सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि इसने धारण की थी। और ये पहला सुल्तान था जिसने राजनीति को धर्म से मिलने नहीं दिया, इसने राजनीति और धर्म को दोनों को अलग रखा था। और अगर बात करते हैं इसके जीवन में, तो इसके दरबारी जो कवि थे वो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो जिन्होंने अपना साहित्यिक काल बलबन के शासनकाल से स्टार्ट किया था, अमीर खुसरो व अमीर हसन ने, तो अमीर खुसरो इसके दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के। और सिक्कों पर तारीख लिखवाने की जो परंपरा का आरंभ कराया गया वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया। साथ ही साथ डाक विभाग की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने कराई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण इसके युद्धों की। तो सबसे पहले बात करेंगे गुजरात अभियान की, जो कि 1296 में हुआ। गुजरात अभियान में उस समय जो गुजरात का शासक था वह था कर्ण बघेला। जब सुल्तान ने गुजरात पर आक्रमण किया तो कर्ण बघेला डर के, उसके खौफ से वहां से भागा। उसने गुजरात का शासन छोड़ा, अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर के यह भागकर देवगिरी में शरण लेने पहुंच गया। और देवगिरी का शासक कौन था? अभी जैसे हमने बात की रामचंद्र देव, तो रामचंद्र देव ने कर्ण बघेला व उसकी पुत्री देवल देवी को शरण दी और उनके प्राण बचाए। लेकिन जो कर्ण बघेला था उसके जाने के बाद उसकी जो पत्नी थी कमला देवी, उसको सुल्तान अपने साथ ले आया और साथ ही गुजरात में बहुत ज्यादा लूटपाट करके जो संपत्ति थी बहुत सारी संपत्ति को लूटा। और कमला देवी को साथ ला करके
उसको मुख्य रानी मल्लिका जहां की उपाधि भी दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर कि मल्लिका जहां की उपाधि किसको प्रदान की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, तो ये प्रदान की थी कमला देवी की, जो कि कर्ण बघेला की पत्नी थी। ठीक है, गुजरात शासक जो कर्ण बघेला थे उनकी पत्नी थी। यही गुजरात से ही गुजरात अभियान के दौरान ही मलिक काफूर को जो अलाउद्दीन था उसने 1000 दिनार में खरीदा था, तो इसीलिए मलिक काफूर का जो एक अन्य नाम है वह हजार दिनारी भी है, हजार दिनारी। तो यह सवाल पूछा जा सकता है कि हजार दिनारी किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं, तो हजार दिनारी मलिक काफूर को कहते हैं क्योंकि इसको खरीदा गया था 1000 दिनार में। किसके द्वारा? सुल्तान के द्वारा। कहां से? गुजरात से। ठीक है, तो इसी वजह से इसका उपनाम हजार दिनारी भी है। आगे बात करेंगे रणथंभौर अभियान की। तो रणथंभौर अभियान जैसा कि जलालुद्दीन ने किया था, और ठीक उसी प्रकार रणथंभौर अभियान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। जलालुद्दीन का रणथंभौर अभियान असफल था, क्यों? क्योंकि किला बहुत ही मजबूत था। लेकिन 1300 में हुए रणथंभौर अभियान में जो शासक था अमीर देव, उसके मंत्री रणमल ने उससे विश्वासघात किया। जब रणमल ने विश्वासघात किया तो ये जो रणथंभौर अभियान था सुल्तान का वो सफल हुआ। शासक हमीर देव की हार हो गई इसमें। हमीर देव इस रणदेव जो रणमल था उसके विश्वासघात के कारण मारा गया, और जितने भी संपत्ति थी वो सब सुल्तान की हुई। साथ ही साथ जो स्त्रियां थी उनको प्राप्त करना चाहता था शासक, लेकिन सुल्तान की ये योजना, स्त्रियों को प्राप्त करने की योजना असफल रही, क्योंकि हमीर देव के सारे परिवार ने जो है वो जौहर कर लिया था। तो इस प्रकार हमीर देव की भी मृत्यु हुई और जो उसके परिवार की स्त्रियां थी उन्होंने जौहर कर लिया। सुल्तान की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो उलूक खां व नुसरत खां थे। इस युद्ध में सुल्तान के नेतृत्वकर्ता में नुसरत खां की भी मृत्यु हो गई। तो ये जो किसकी अगर बात करते हैं कि रणमल की, तो रणमल ने यहाँ पर विश्वासघात किया। उसे लगा कि सुल्तान उसकी मदद करेगा, उसको राजा वहां का सूबेदार बनाएगा, शासन की बागडोर देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बाद में रणमल को भी मरवा दिया। क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि जब रणमल अपने मुख्य राजा जो उसका पूर्व राजा था उसका साथ नहीं दे सकता, उससे विश्वासघात कर सकता है, तो उससे भी विश्वासघात कर सकता है। इसी आधार पर उसने बाद में रणमल को भी मरवा दिया। तो इस प्रकार जो रणथंभौर अभियान था वह सफल हो गया अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। फिर बात करते हैं हम मुख्य रूप से मेवाड़ या चित्तौड़ विजय की। तो चूंकि बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड हुआ हाल ही के दिनों में जो मूवी बनी पद्मावत, उसकी वजह से, तो उस समय जो शासक था 1303 में चित्तौड़ का वो थे राजा रतनदेव। ठीक है, रतनदेव शासक थे और स्वयं खिलजी ने ही चित्तौड़ अभियान का नेतृत्व किया था। ये इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो नेतृत्व हो रहा था वो उलूक खां और नुसरत खां के द्वारा हो रहा था। जो हमने दो अभियान की बात की गुजरात और रणथंभौर की, तो दोनों में उलूक खां और नुसरत खां ने नेतृत्व किया। रणथंभौर में नुसरत खां की मृत्यु हुई। चित्तौड़ अभियान खुद सुल्तान ने किया, खुद खिलजी ने किया, और इसका मुख्य कारण की अगर बात करते हैं तो इतिहासकारों में मत है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो चित्तौड़ का किला था वो बहुत ही मजबूत था और वहां से शासन चलाना बहुत ही आसान था, दुश्मनों से बचना बहुत ही आसान था। तो जो अलाउद्दीन था वह चित्तौड़ का किला पाना चाहता था, जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चित्तौड़ अभियान का मुख्य उद्देश्य रतनदेव की पत्नी जो पद्मावती थी उनको प्राप्त करना था, क्योंकि वो बहुत ही अत्यंत जो खूबसूरत थी, तो अत्यंत उसकी प्रशंसा सुनने के कारण जो अलाउद्दीन था उसके मन में उसकी पत्नी को प्राप्त करना था। तो रतनदेव की पत्नी पद्मावती के लिए यह अभियान किया गया। तो ये दो मत जो है वो इतिहासकारों में भिन्न भिन्न है। इस अभियान में जो रतनदेव था उसकी मृत्यु हुई और पद्मावती ने जौहर कर लिया। तो इस प्रकार चित्तौड़ पर विजय हुई और चित्तौड़ का नाम सुल्तान ने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रखा। खिजराबाद को नया नाम देने के बाद, चित्तौड़ को नया नाम खिजराबाद देने के बाद, वहां का जो सूबेदार था वह अपने पुत्र खिजर खां को नियुक्त करके ये वापस दिल्ली आ गया। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण दक्षिण अभियान की। ठीक है, तो दक्षिण अभियान का जो मुख्य कारण था वो था संपत्ति प्राप्त करना। मुख्य रूप से अलाउद्दीन का जो उद्देश्य था
वो था दक्षिण अभियान का संपत्ति प्राप्त करना और वार्षिक कर वसूलना। दक्षिण अभियान का जो श्रेय दिया गया वो मुख्य रूप से जो मलिक काफूर था, आजाद दिनारी जो था, उसको प्राप्त है। तो सबसे पहले बात करेंगे देवगिरी अभियान की, जो कि 1307 में हुआ। देवगिरी का शासक जो था वो कौन था? रामचंद्र देव, जैसा कि अभी पीछे हमने चर्चा की। रामचंद्र देव की इसमें फिर से हार हुई, रामचंद्र देव पर आक्रमण हुआ। रामचंद्र देव चूंकि आधीनता स्वीकार कर चुका था, लेकिन फिर भी इसने दिल्ली को कर नहीं दिए थे। चूंकि आधीनता स्वीकार की है तो आपको कर भेजना है, तो इस वजह से कर ना मिलने की वजह से अलाउद्दीन ने इस पर आक्रमण करवाया। मलिक काफूर ने इसका नेतृत्व किया। रामचंद्र देव की फिर से हार हुई, और जो कि रणथंभौर विजय के बाद इधर जो